लास्ट टाइम ये बात डिस्कस कर रहे थे, और अब हम क्या करते हैं, इससे आगे ज़रा चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यार द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टेक्स्ट एंड सेकंड वॉइस इज क्लियर व्हेन इंफॉर्मेशन अराइव्स थ्रू टेक्स्ट अदर पार्टिसिपेंट कैन स्कैन द मैसेज। ये बल्कि हमने ये पार्ट देख लिया था। अच्छा, अब हम इसके आगे वाले में चलते हैं। इन टेक्स्ट बेस्ड कन्वर्जेशन पीपल यूज एब्रीवेशंस, मिस स्पेल वर्ड्स और लीव आउट एंटायर पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। कह रहे कि जब बातें हो रही होती हैं टेक्स्ट मैसेज पे, तो जाहिर है वहाँ पे टाइप करना पड़ता है, तो बंदे आधी अधूरी बात लिखते हैं कभी, और उसको आपको समझना होता है। द प्रीवियस टेक्स एग्जाम्पल माइट एक्चुअली लुक लाइक दिस। ठीक है, जो पीछे टेक्स एग्जाम्पल लिखा हुआ था यहाँ पे उन्होंने ये वाला, कह रहे कि वो ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से हो पूरी सही सही एक स्पेलिंग। अब यहाँ पे इन्होंने देखें क्या लिखा हुआ है। वी हैव येलो स्टोन और योशोमाइट और बिग बैंड, इस तरह करके लिखा हुआ है। अच्छा, ये वाला भी ना मैं इससे अग्री नहीं करता कि टेक्स्ट मैसेज में ये लिखा हुआ होगा। ये जो स्पेस दिया हुआ है और ये तीन डॉट दिया हुआ है ना, हाँ, तो लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि यार ज़रा सा यहाँ पे जो एजम्पशंस है ना, वो शायद पता नहीं, या तो इस बुक के लिखने के नहीं, बुक के लिखने के बाद तो खैर क्या ही चेंज हुई है। हम स्कूल के ज़माने में भी जब टेक्स्ट मैसेज करते थे तो उसमें ये नहीं होता था। ठीक है, हाँ, येलो स्टोन के अंदर ना ओ की जगह ज़ीरो हो सकता है, ओ की जगह ज़ीरो हो सकता है, ये मोस्ट प्रोबेबल है। ठीक है, तो वेल इसके जज्बात तो आप समझ गए हैं बहरहाल कि वो क्या होगा, वो ज़रा चेंज हो सकता है। और कह रहे हैं कि मैनी ऑफ दीज डिफरेंसेस अकर इन द इनपुट इन व्हाट द यूज़र इज सेइंग टू द कंप्यूटर। ये क्या इसने लिखा है? अच्छा, वो कह रहे हैं इस तरह के बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। ऑल द यू आर वेलकम टू इंक्लूड पॉजेज और अदर, ये पता नहीं मुश्किल सा इसने वर्ड लिखा है कोई। ठीक है, ये जैसे पॉज यहाँ पे हुआ हुआ है ना, ये करके जो हुआ हुआ है ये इसको कह रहा है पॉजेज, इस तरह की कोई चीज़ कह रहा है आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मिसाल के तौर पर डायलॉग फ्लो में हमने कोई इंटेंट बनाया हुआ है और उसके अंदर बीच में करके कोई बोलता है, तो वो उसको को डिस्कार्ड करके उसको इंटेंट को पकड़ लेता है वो, तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, आई एडवाइस यू नॉट टू बिकॉज यू कैन ईजली स्लिप इन टू अ सिचुएशन वेयर द एप्लीकेशन रिस्पॉन्स इज जस्ट अ बिट ऑफ एंड एंड अप विद डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। जैसे ये कह रहा है कि अगर आप डायलॉग फ्लो के अंदर इंटेंट बना रहे हो ना, तो उसमें इस तरह की चीज़ों को आप ऐड ना करें, ये इसकी रिकमेंडेशन आ गई। दैट्स नॉट टू से दैट एनी रिस्पॉन्सेज यू बिल्ड आर अनअफेक्टेड बाई द मीडियम। ठीक है, वो कह रहा है कि किसी भी तरह के आप रिस्पॉन्स को बनाएंगे, चाहे वो टेक्स्ट बेस हो चाहे वो वॉइस बेस हो, तो वो मीडियम के जरिए अफेक्ट कर रहा होगा कहीं ना कहीं, मीडियम का कहीं ना कहीं उसके ऊपर इफेक्ट होगा। क्योंकि वॉइस के ऊपर क्या होता है कि बहुत सारी बातें आप उससे बुलवा नहीं सकते। जैसे हमने लास्ट देखा था कि ईमेल इनपुट लेना बड़ा मुश्किल है वॉइस के ऊपर, ठीक है, टेक्स्ट पे वो बड़ा आसान है। इसी तरीके से टेक्स्ट के ऊपर जो है वो क्या है, इस तरह के शॉर्टकट्स वगैरह बंदा बोलेगा, लेकिन वॉइस में इस तरह का शॉर्टकट का कोई सीन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हर मीडियम में ना कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको डिफ़िकल्टी का सामना जिसकी वजह से करना पड़ता है। अ गुड वे टू सी हाउ इट इज़ टू स्टेप अवे फ्रॉम द कंपैरिजन विद चैट बॉट्स एंड लुक एट हाउ वॉइस डिफर्स फ्रॉम GUI वाइल यूजिंग समथिंग कॉल्ड कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। अच्छा, कह रहा है चलो ये तो बातें हो गई, अब हम ये बात करते हैं कि इन दोनों के ऊपर जो कॉमनली चीज़ अप्लाई होती है ना, वो है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। ये ज़रा हम पढ़ते हैं, ये फोर मैक्सिम वाली बात। द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल डिस्क्राइब द फीचर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू एन एफिशिएंट कन्वर्जेशन। कह रहे हैं कि यार ये ना, ये क्या है, वो फीचर्स हैं, ठीक है, वो AI में बोलते हैं ना कि वो पैरामीटर्स, तो ये वो पैरामीटर्स हैं जो किसी भी कन्वर्जेशन में हो ना, तो उसको क्या बना देते हैं, वो एफिशिएंट कन्वर्जेशन बना देते हैं। कौन मुझे ये बताएगा कि एफिशिएंसी का क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन बाय एफिशिएंट? हाँ भाई, और बाकी लोग क्या कह रहे हैं? असल अंदाज मतलब कि हम अगर कोई बात
नहीं एफिशिएंट की बात कर रहा हूँ अभी मैं, जस्ट एफिशिएंट। जो वर्ड एफिशिएंट है अंग्रेजी में इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन बाय एफिशिएंसी? काम कितनी जल्दी हो रहा है, कितने कम टाइम में हो रहा है। और हाँ भाई और लोग, अच्छा एफिशिएंसी का मतलब ये होता है, बता देता हूँ मैं। सब लोगों ने करीब करीब बताया लेकिन जो मैं बात सुनना चाह रहा था वो नहीं बताया किसी ने। एफिशिएंट का मतलब होता है कि कम इनपुट में आपको कितना ज़्यादा आउटपुट मिलता है। मिसाल के तौर पे जो मशीन होती है, सिंपल मशीन होती है, वो क्या होती है, उसमें कोई ना कोई इनपुट होता है और कुछ ना कुछ उसका आउटपुट होता है। जैसे सीज़र है, एक सिंपल मशीन है, ठीक है। सीज़र में आप एक तरफ से हाथ से ज़ोर लगाते हैं और दूसरी तरफ से कपड़े को काट रहा होता है ना। तो जितना आप यहाँ से इनपुट देते हैं, अब फोर्स जितने अप्लाई करते हैं, अगर उतना ही आगे वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर दे, यानी उतने ही कपड़े को वो काट दे, तो दैट इज़ कॉल्ड आइडियल मशीन, ठीक है। आइडियल मशीन या उसको 100% एफिशिएंसी कह सकते हैं हम, ठीक है, जो कि रियल लाइफ के अंदर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 100% एफिशिएंसी या आइडियल मशीन जो है वो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ के अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं 100 से नीचे कहीं ना कहीं वो लाया कर रही होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है, तो इसके अंदर जितना पेट्रोल डाला गया है या जितना डीजल इसको मिला है, अगर उस तमाम के तमाम को ये कन्वर्ट कर पाए मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, तो हम इसको कहेंगे कि ये 100% एफिशिएंसी हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जो जो पेट्रोल इंजन की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो शायद 50% तक है या 60% तक है, ठीक है। नहीं, अभी जो बेस्ट इंजन है इस वक्त पेट्रोल इंजन, उसकी एफिशिएंसी क्या है? 60 तक चली गई है? नहीं यार, 60 तक भी नहीं गई होगी, पता नहीं। 40% पे डीजल इंजन था लास्ट, द मोस्ट एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन 55 to 60। हाँ यार सही कह रहे हो तुम, 60 है। और पेट्रोल इंजन, अच्छा कहाँ पे पड़ा? गुड यार, सही है। एफिशिएंसी मोर देन 50% मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी, ये पता नहीं क्या इसने बात लिखी है। गैसोलीन इंजन में बहरहाल थोड़ी कम एफिशिएंसी है और डीजल इंजन की एफिशिएंसी थोड़ी सी ज़्यादा है। अच्छा, डीजल इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि उस पर रिसर्च ज़्यादा हुई है, ठीक है। उस पर रिसर्च ज़्यादा हुई है डीजल इंजन के ऊपर। रिसर्च इस वजह से हुई है क्योंकि उसके साथ लाखों नहीं करोड़ों अरबों डॉलर उसके साथ मुंसलिक हैं, क्योंकि वो ट्रेड सारी डीजल इंजन के ऊपर होती है। तो पेट्रोल इंजन अगर बहुत ज़्यादा लोड हो या बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड हो तो उस पर पेट्रोल इंजन ना फेल हो जाता है और उस पर डीजल इंजन सही काम करता है। तो डीजल इंजन के को जो है ना, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मिला है, रिसर्च उस पर बहुत ज़्यादा हुई है। फिर डीजल इंजन के ना कुछ और भी बेनिफिट्स हैं। मिसाल के तौर पे जो डीजल है ना वो पूरी दुनिया में एक जैसा है, पेट्रोल ऑन अदर एंड अलग अलग है। पेट्रोल मिसाल के तौर पे यूएसए की कोई गाड़ी यहाँ आती है अगर, तो मोस्ट प्रॉब्ली उसके अंदर जो पेट्रोल डल रहा है ना वो उसके इंजन को ख़राब कर देगा, सही है। तो इस तरह के कुछ मामलात पेट्रोल के अंदर हैं। जो पेट्रोल के अंदर क्या चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं कि ऑक्टेन नंबर। तो हर गाड़ी के साथ ना उसके मैनुअल में लिखा हुआ होता है कि इसका ऑक्टेन नंबर कितना चाहिए इसका। तो मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास जो हाई ऑक्टेन है वो, उसका ऑक्टेन नंबर तो बताते नहीं हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन आप अगर वेबसाइट पे जाएं ना शेल की, तो लिखा हुआ होता है वहाँ कि शेल के अंदर जो हाई ऑक्टेन बिक रहा है उसका ऑक्टेन नंबर 95 या 97, इस तरह कुछ है। लेकिन अगर कोई ऐसी स्पोर्ट्स कार है जिसको चाहिए 120 ऑक्टेन चाहिए जिसको, तो फिर उसमें क्या करते हैं, टैंक फुल कराने के साथ साथ ना एक बोतल होती है छोटी सी ऑक्टेन इंक्रीज़ करने के लिए, तो वो बोतल उसके अंदर डाल देते हैं। वो एक केमिकल होता है काइंड ऑफ, तो उससे ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन मसला ये है कि वो बोतल 5-6 हज़ार की तो है वो भी, तो टैंक फुल करने के साथ साथ अगर 40 हज़ार का टैंक फुल हुआ तो वो 5 हज़ार की वो डलेगी, तो 45 हज़ार तो सही है। अब जिनको पता नहीं होता वो ख़राब कर लेते हैं इंजन, जिनको पता होता है वो ज़रा ख्याल करते हैं फिर इन चीज़ों का। तो वो उस पर रिसर्च इतनी ज़्यादा इन्होंने की है ना कि उसको ज़रा एफिशिएंसी को आगे पहुंचा दिया इन्होंने। और यही वजह है, ये जो पूरी दुनिया में डीज़ल एक जैसा होता है ना, और डीज़ल के अंदर एक और भी क्वालिटी होती है, अगर डीज़ल का टैंक है ना उस पर अगर गोली मारेगा बंदा कोई तो वो फटेगा नहीं। डीज़ल यूँ गिर रहा होगा उसमें से, और अगर उसमें आग भी लग जाए ना तो वो डीज़ल गिरता रहेगा और जलता भी रहेगा, लेकिन ब्लास्ट नहीं करता डीज़ल इंजन।
तो इस तरह की कुछ क्वालिटीज़ हैं डीज़ल में जिसकी वजह से डीज़ल को बड़ी पसीराई मिली है। ये पेट्रोल को भी चाहते तो यूज़ कर सकते थे लोडिंग में, लेकिन शायद इन रीज़न्स के तहत इन्होंने कभी यूज़ ही नहीं किया। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसकी भी कार जो है वो डीज़ल इंजन के ऊपर है, इस रीज़न की वजह से कि उसको अगर गोली मारे ना कोई उसके टैंक पे लग जाए अगर, तो फटता नहीं है, वो ब्लास्ट नहीं करता। तो ये कोऑपरेटिव तो हम देख रहे थे एफिशिएंट क्या चीज़ है। तो एफिशिएंट कन्वर्जेशन का मतलब क्या हुआ पर? एफिशिएंट कन्वर्जेशन का मतलब ये हुआ कि कम इनपुट दे के ज़्यादा कन्वर्जेशन हो जाए, यानी कम मेहनत लगे आपकी और ज़्यादा बात हो जाए। तो इस तरह की शायद कोई इसने बात करने की कोशिश की है। अच्छा, बात करने में जो इनपुट और आउटपुट क्या है, बात करने में इनपुट ये होता है कि मैं कुछ वर्ड्स अपने मुंह से निकालता हूँ और उसका आउटपुट ये होता है कि सामने वाला उसको समझ जाता है। तो अगर कोई बात समझाने के लिए मुझे पूरा मजमून बोलना पड़ रहा है, यानी 3 मिनट मुझे कंटिन्यूसली बोलना पड़ रहा है जब कोई बात समझ आ रही है सामने वाले को, तो और ऑन अदर हैंड वही बात मैं एक जुमले में अगर समझा दूँ, तो ये एक जुमले वाला क्या हुआ, मोर एफिशिएंट कन्वर्जेशन हो गई। सही है। तो एफिशिएंसी का मतलब किसी भी जगह पे आ जाए उसका मतलब यही होता है कि कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बनेगा। अच्छा, और इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन लिंग्विस्टिक फिलोसोफर पाउल ग्रीस, ही हैज़ एज ही डिस्कस द एजम्पशंस वी ब्रिंग टू कन्वर्जेशन दैट अलाउड देम टू फॉलो विदाउट मच ट्रबल। ये कोई हैं फिलोसोफर साहब, लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक्स पता है सब लोगों को क्या होती है? माहिर इसको लिसानियात कहते हैं, माहिर लिसानियात। सही है, ज़ुबानों के एक्सपर्ट्स होते हैं ये। लिंग्विस्टिक्स जो होते हैं, लिंग्विस्टिक के एक्सपर्ट्स जो होते हैं, इनका काम क्या होता है, नई लैंग्वेजेस डेवलप करना, या किसी एग्जिस्टिंग लैंग्वेज के अंदर कोई नया वर्ड रिक्वायर्ड है तो वो उसको इन्वेंट करना, उसको सजेस्ट करना, है ना। मिसाल के तौर पे अभी बहुत सारी नई नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं तो उसका नाम क्या रखा जाए। ठीक है, इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड्स बाद में ऐड हुए हैं। आपको पता है ना, हर साल इंग्लिश डिक्शनरी में कुछ वर्ड्स ऐड हो जाते हैं, 10 12 15 वर्ड ऐड करता है, ऑक्सफोर्ड भी ऐड करता है और भी दूसरे इदारे हैं जो ऐड कर रहे होते हैं अपनी अपनी डिक्शनरी में। तो ये लिंग्विस्टिक्स वाले जो होते हैं इनका काम होता है ये। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे उर्दू लैंग्वेज के अंदर लिंग्विस्टिक की कुछ मिस्टेक्स हैं, जैसे हमारी उर्दू की जो गिनती है ना वो आउट ऑफ सिंक है। वो आप यूट्यूब पे जाके लिखेंगे ना लिंग्विस्टिक मिस्टेक्स इन उर्दू काउंटिंग, तो वो पता लग जाएगा। अच्छा, इंग्लिश में भी बहुत सारी इस तरह की लिंग्विस्टिक मिस्टेक्स हैं जो कि कॉमन हो गई हैं, तो वो चल रही है। ठीक है, तो ये लिंग्विस्टिक से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। इसी तरीके से जो आपके कोई अगर एलियन शिलियन पकड़ लेंगे तो वो कोई ना कोई लैंग्वेज तो बोल रहा है वो, तो उस लैंग्वेज को क्रैक करना कि ये बात हो क्या रही है, तो वो भी लिंग्विस्टिक्स के एक्सपर्ट का काम होता है। इसी तरह कोई अगर आर्कियोलॉजी के अंदर कोई चीज़ निकल आती है कि जिसमें कुछ लिखा हुआ है, तो अब वो क्या लिखा हुआ है, तो वो लिंग्विस्टिक के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको भी ये दिया जाता है। वैसे तो आर्कियोलॉजी में ख़ुद भी उनके हैं मेथड्स, लेकिन लिंग्विस्टिक्स वालों को भी दिया जाता है कि यार ज़रा इसको, इस वर्ड्स को ज़रा क्रैक करो कि ये है क्या बात लिखी हुई, तो वो उसको क्रैक करते हैं और वो निकालते हैं। ठीक है, तो बड़ा एक अहम शोभा है ये। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है लेकिन टोटली है। अच्छा, तो ये इन्होंने बात कर दी, फिलोसोफर साहब ने, लिंग्विस्टिक के हैं ये, इन्होंने बोला कि यार ये मेरी अजम्पशन है कि ये दो चार बातें अगर हो ना तो कन्वर्जेशन बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ही आउटलाइंड हिज प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल एज इन्वॉल्विंग द फोर मैक्सिम ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी रिलेशन एंड मैनर। ठीक है, ये चार इसने बात कर दी। क्वालिटी, क्वांटिटी का क्या मतलब है, से इनफ बट नॉट टू मच, कि किसी भी बात को अगर करने के लिए आपने इनफ बात कहनी है, उस बहुत ज़्यादा नहीं बात करनी है आपने। मिसाल के तौर पे जैसे मैं अगर सीरी से पूछता हूँ, हे सीरी व्हाट टाइम इज इट, जितना मैंने पूछा एग्जैक्टली इसने उतना ही बताया है। सही है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब मैं इससे पूछता हूँ कि व्हाट्स द वेदर, हे सीरी व्हाट्स द वेदर, अबे सुन ले सुरैया, हे सीरी, हे सीरी व्हाट्स द वेदर, Clear and 31 degrees. Expect partly cloudy skies starting tonight. Today's high will be 34 and the low will be 26 degrees. अच्छा देखो, अभी मैंने वेदर की बात की ना तो उसने पूरा बताया है, लेकिन जब मैं बोलूँगा ना कि टेम्परेचर बताओ सिर्फ, तो ये सिर्फ टेम्परेचर बता के चुप हो जाएगी। हे सीरी, हे सीरी
What's the weather? No, what's the weather? Hey Siri, what's the temperature? It's about 31 degrees outside. सही है. तो जब मैंने टेम्परेचर पूछा तो सिर्फ उसने टेम्परेचर बताया, लेकिन वेदर जो एक एक बिगर अम्ब्रेला है उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. तो यहाँ पे ये वाली जो ना क्वांटिटी वाली बात हो गई कि जितनी बात है ना उतनी बात करें. मिसाल के तौर पे अगर मैं इससे टेम्परेचर पूछता ना और ये पूरी बात अगर बता देती तो ये वाला जो मैक्सिम है ना ये क्या हो जाता, ये आगे पीछे हो जाता. तो मिसाल के तौर पे हम जैसे होटल बुकिंग हमने हेलो वर्ल्ड में बना रहे थे हम, तो होटल बुकिंग में बंदे ने अगर पूछा ना कि व्हाट्स द स्टेटस ऑफ माई बुकिंग, तो आपने सिर्फ स्टेटस बताना है, आपने कोई दूसरी चीज़ नहीं बतानी. ठीक है. अब लेकिन स्टेटस में कोई दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, स्टेटस में कोई दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? मेरा ख्याल है नहीं हो सकती कोई. स्टेटस में तो एक ही होगा वो कि यार यू हैव रूम नंबर इतना इतना, बुक डाउन योर नेम, बस यही बात होगी. हाँ, ये तो बात सही है कि रूम की बुकिंग जो है उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग डेट भी होती है. लेकिन वैसे एक बात है, रूम जब होटल में रूम बुक करता है ना बंदा, तो वो पूछते तो हैं चेकआउट की डेट, लेकिन वो वैसे ही पूछते हैं. अगर आप उस दिन चेकआउट ना करें तो कोई मसला नहीं होता, ये भी एक फैक्ट है. मिसाल के तौर पे जैसे आपने चेक इन कर लिया ना, तो वो आपसे जिस दिन आपका चेकआउट है ना उस दिन सम टाइम पूछ लेते हैं कि सर आप आज स्टे या चेकआउट है, या सम टाइम, लेकिन पूछते भी नहीं है वो मतलब जब आप करोगे चेकआउट जब ही होता है, क्योंकि वो तो आप जब रहोगे तो खुद ही आप पैसे दोगे ना, तो पैसे तो आ रहे हैं, तो इसलिए वो नहीं पूछते. और जो अगर रिजर्वेशन किसी और की होती है उस डेट के ऊपर, तो उसको ना किसी और दूसरे रूम वूम में फिट मार देते हैं. और हर होटल के अंदर ना इन्होंने क्या किया हुआ होता है, एक आध रूम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रिजर्व में रखे हुए होते हैं, वो किसी को देते नहीं हैं, तो इस तरह की इमरजेंसीज़ में फिर उसको इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, एक रूम इन्होंने रखा हुआ होता है होटल के अमले के लिए, जो होटल का मैनेजर वैनेजर होता है ना उनके लिए भी एक रूम होता है, तो अगर बहुत इमरजेंसी पड़ जाए ना कभी तो ये वो वाला रूम भी दे देते हैं बंदों को. सही है. और ख़ुद ये मैट्रेस वैट्रेस डाल के इधर उधर कहीं साइड पर हो जाते हैं, तो मतलब ये वाले सीन चल रहे होते हैं होटल के अंदर, तो वो कभी भी पूछते नहीं हैं. तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बुकिंग में चेकआउट की डेट बताना तो शायद वैसे भी मैंडेटरी नहीं है, चेक इन का डेट और टाइम बताना ज़रूरी है कि चेक इन आपका इस टाइम पे होगा. वेल तो अच्छा, अब इसको इन्होंने नीचे मज़ीद डिस्क्राइब किया हुआ है डिटेल में. अच्छा, उसके अलावा इन्होंने कहा क्वालिटी, कह रहा है से द ट्रूथ, क्वालिटी में से द ट्रूथ है, आपने इसमें कोई फॉल्स डेटा नहीं देना आपने. अच्छा, रिलेशन में से समथिंग रेलिवेंट टू द कन्वर्जेशन. और मैनर में इसने कहा है कि यार से इट क्लियरली. अब ये क्या है मैनर और ये क्या है क्वालिटी को मज़ीद यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये. अच्छा बताओ. हाँ यार है तो ये सारी क्वालिटी, बात तो सही कह रहे हैं. हाँ हो सकता है निकाली हो, क्योंकि हम तो इतना नहीं स्टडी करते ना, ये स्टडी करते हैं इसको, तो बहुत सारी चीज़ें जो गैर मुस्लिमों ने ना कुरान से निकाली हैं जो हमें बताई है उन्होंने बाद में. हाँ वही है तो यार, वैसे तो ये चार क्वालिटीज़ एक मुसलमान को हुक्म है इसका. हाँ है तो यार, अच्छा तो क्वांटिटी को ये ज़रा मज़ीद बता रहे हैं कि क्वांटिटी क्या चीज़ है. कुछ इन्होंने शायद एक दो एग्जांपल भी दिए. द मैक्सिम क्वांटिटी एज्यूम्स दैट अ गुड कन्वर्जेशन पार्टनर विल से इनफ इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट अ टर्न विथ नो लेस और नो मोर. कन्वर्जेशन पार्टनर, अच्छा ये बात ना कन्वर्जेशन की हो रही है, ये जैसे कोई स्पीच वगैरह चल रही है उसकी बात नहीं हो रही है, ये वो बात हो रही है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, या टॉक शो चल रहा है जिसमें दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो ये उस एक सर्टन सिचुएशन की बात हो रही है. इमेजिन आस्किंग अ फ्रेंड हाउ डिड द प्रेजेंटेशन टू योर बॉस गो, कि आपने अपने दोस्त से पूछा कि भाई आपकी प्रेजेंटेशन थी उसका कैसी रही वो.
ठीक है, जैसे मैं शहजाद से पूछूंगा अभी तुम्हारा सेशन था अभी कैसा रहा, वो अच्छा था, चलो, और सवालात आड़े टेढ़े किए बच्चों ने, अच्छा जवाब क्या दिया तुमने, अच्छा स्लाइड्स तुम्हें टाइम पे मिल गई थी, स्लाइड्स टाइम पे मिल गई थी या? हाँ असल में वो मैं ट्रांजिशन में था, मैं उस वक्त होटल से चेकआउट करके मैं एयरपोर्ट जा रहा था असल में, तो वो मैंने रास्ते में तुम्हें मैसेज देखा तो मैंने तुम्हें भेज दिया ना, वेल वो मैंने सारा पूरा फोल्डर ही भेज दिया था तुम्हें। अच्छा तो भाई यहाँ भी किसी ने अपने दोस्त से पूछा तो, अ रिप्लाई दैट ब्रोक डाउन एवरी मिनट ऑफ द प्रेजेंटेशन वुड बी टू मच ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो अगर शहजाद मुझे ये जवाब देता कि मैं पहले एंटर हुआ, फिर मैंने राइट देखा, फिर मैंने लेफ़्ट देखा, राइट पे सारे बच्चे बैठे हुए थे, रेड लेफ़्ट पे स्टेज लगा हुआ था, फिर मैं स्टेज पे जाके बैठ गया, फिर वहाँ पे माइक नहीं था, मैंने उनको बोला यार माइक नहीं चल रहा, उन्होंने आके माइक चलाया, सही है, फिर इतने में सर आपका मैसेज आ गया, स्लाइडें आ गई आपकी, तो मैंने यार आप वाली स्लाइड खोली फिर और एक एक करके करना शुरू किया, तो ये इट वुड बी टू मच, ठीक है, टू मच इन्फॉर्मेशन। तो शहजाद ने जो जवाब दिया कि सर अच्छा रहा, तो ठीक है, फिर मैंने अच्छे की एक दो डिटेल्स जो मैं जानना चाह रहा था वो मैंने अलग से पूछ ली कि यार स्लाइड टाइम पे मिल गई थी तुम्हें, सही है, तो इस तरह की एक दो डिटेल मैंने अलग से पूछ ली। एंड यू वुड बी लाइक स्टॉप लिसनिंग बाई द टाइम ही सेज, एंड देन HDMI केबल वुड नॉट वर्क सो आई हैड टू डू समथिंग एल्स, है ना, HDMI केबल वो कह रहा गया मैंने लगाई वो चली नहीं तो मुझे फिर ये करना पड़ा, तो आप इतने पे आके आप बोलोगे कि भाई बस अभी बस हो गई है मेरी, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अ रिप्लाई ऑफ इट वेंट इजेंट इनफ, अगर आपने रिप्लाई में सिर्फ ये बोला कि इट वेंट कि गया हो गया, सही है, इज़ नॉट इनफ अनलेस यू एज्यूम योर फ्रेंड इज़ फॉलोइंग द मैक्सिम, इन विच केस दोज टू वर्ड माइट बी ऑल यू नीड टू नो, इट वेंट वेल आई थिंक, सही है, ये एक मुनासिब जवाब है, बहुत छोटा भी नहीं है बहुत बड़ा भी नहीं है। एड्रेस इज़ द क्वेश्चन एट द हैंड विदाउट गोइंग ओवरबोर्ड, नोट भी साथ इन्होंने यहाँ लिखा है कि यू कुड ईजली कंस्ट्रक्ट अ रिस्पॉन्स दैट सीमिंगली फिट्स द मैक्सिम ऑफ क्वान्टिटी दैट इज़ लॉन्गर और शॉर्टर देन द प्रीसीडिंग वन, दिस मैक्सिम लाइक्स द रेस्ट, दिस मैक्सिम लाइक द रेस्ट इज़ नॉट प्रिसाइज फार्मूला बट द क्लास वेयर यू विल नो इट वेन यू सी इट। अच्छा ये कह रहा है कि यार ये वाला जो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार हम क्या कर सकते हैं, जुमला कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस मैक्सिम के अंदर अंदर रहते हुए, ठीक है, जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जुमला कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसके अंदर रहते हुए, जो कि ज़्यादा लंबा भी नहीं हो ज़्यादा छोटा भी नहीं हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि यार ये मैक्सिम जो है ना आपने चलो कर तो लिया, ये प्रीसीडिंग जुमले से आपने छोटा या बड़ा कर दिया, कह रहे हैं मगर ये कोई ना प्रिसाइज फॉर्मूला नहीं है इसका, कि आप ये करेंगे कि अच्छा जी जितना लंबा सवाल पूछा है मैं उतना उतने वर्ड्स का जवाब बना दूं, या जो अगली जुमला आने वाला है उससे इतने वर्ड्स कम कर दूं मैं, तो इस तरह का कोई प्रिसाइज फार्मूला नहीं है ये। ये क्या चीज़ है कि आप ह्यूमन इंटेलिजेंस से ना, ह्यूमन इज़ इंटेलिजेंट, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है ना उससे जब आप ये देखते हैं तो आप खुद ही समझ जाते हैं कि भाई ये जो जवाब है ये लंबा है या मुनासिब है या क्या है, ठीक है। अगर दो लोग बात कर रहे हैं ना, आप सामने खड़े हुए हैं, तीसरे बंदे हैं आप, तो वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप देख के समझ जाते हैं, लेकिन कोई प्रिसाइज फार्मूला नहीं है, यानी कोई रूल नहीं सेट है कि यार इतने जुमले बोलोगे तो शॉर्ट होगा, इतने जुमले बोलोगे तो मुनासिब है, इतने जुमले बोलोगे, तो कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जिसके जवाब में मैं 4 जुमले 5 जुमले बोलूँगा तो वो मुनासिब होगा, और कुछ बात ऐसी होगी जिसमें 2 वर्ड बोलूँगा तो मुनासिब होगा, है ना, तो ये डिपेंड करता है कि वो बात हो क्या रही है, तो इसका कोई प्रिसाइज रूल नहीं है कि यार इतने वर्ड्स का जुमला बना दो या इतने वर्ड्स का, ये वाला नहीं है, ये आप जब देखते हो तो आप समझ जाते हो। तो जितनी बात जैसे वेदर के बारे में पूछा गया तो उसने पूरी बात बताई है और बड़े शॉर्ट लफ्ज़ों में बताई है उसने, अगर मैं दोबारा पूछूँ ना तो आप देखें क्या बोलती है, हे सीरी व्हाट्स द वेदर, इट्स करंटली क्लियर एंड 31 डिग्रीज, एक्सपेक्ट पार्टली क्लाउडी स्काइज स्टार्टिंग टुनाइट, टुडेज हाई विल बी 34 एंड द लो विल बी 26 डिग्रीज, ठीक है, तो इसने जो है वो क्या बोल दिया, गायब हो गया, तो इसने सबसे पहले मुझे टेम्परेचर बता दिया और वेदर कंडीशन बता दी कि पार्टली क्लाउडी है,
और उसके बाद लो बता दिया, हाई बता दिया। ये मोस्ट कॉमन डिटेल है जो अगर एक वेदर की वेदर जानना चाह रहा है बंदा, ये वो चार मोस्ट कॉमन डिटेल्स हैं कि जी डिग्री कितना है और कंडीशन क्या है वेदर की और हाई लो कितना है। तो ये चार वो मोस्ट कॉमन डिटेल है जो हर बंदा जानना चाहता है। अच्छा, और ये वही चार डिटेल्स हैं जिसकी जिसको देख कर मैं ये बता सकता हूँ कि बाहर का वेदर कैसा होगा। ठीक है, डिग्री पता लग गया मुझे और क्लाउडी पता लग गया और हाई लो पता लग गया कि आज अगर मैं कहीं निकल रहा हूँ, आमतौर पर घर से बाहर निकलते हुए जो है वो बंदे को जो है ना चाहिए होता है कि यार कोई डिग्री देख लूँ मैं, क्या कोई जैकेट लेके जाना है या जो है ना किस कलर का कपड़ा पहन के जाऊँ मैं। तो कपड़े का कलर जो है ज़ाहिर है डिपेंड करता है वो कि जी अगर आपने लाइट कलर का कपड़ा पहना है तो वो ज़रा गर्मी कम फील कराता है, लेकिन अगर बाहर ठंड है तो लाइट कलर का कपड़ा फिर आपकी बैंड भी बजा देता है, तो आपको फिर डार्क कलर का पहनना पड़ता है अगर बाहर टेम्परेचर कम है। तो ये कलर्स का, डार्क लाइट का या कुछ अम्ब्रेला शम्ब्रेला अगर लेके जाना है। अच्छा, अभी परसिपिटेशन कुछ नहीं थी तो इसने बोला नहीं है, जब परसिपिटेशन होती है ना तो ये वो भी इंक्लूड करती है बीच में। ठीक है, इसने नहीं बोला, इसका मतलब है कोई बारिश का कोई चांस नहीं है फिलहाल। अच्छा, लेकिन अगर मैं अपने जुमले को थोड़ा सा चेंज करूँ तो ये डिटेल भी चेंज होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं इससे ये पूछूँ कि व्हाट्स द वेदर टुनाइट, मैं इससे अगर ये बात करूँ, मैंने जब पहले बोला था व्हाट्स द वेदर, अब मैं बोलूँगा व्हाट्स द वेदर टुनाइट, तो अब ये देखते हैं ज़रा थोड़ा डिफरेंट है क्या जवाब आता है। हे सीरी, व्हाट्स द वेदर टुनाइट? इट्स करंटली क्लियर एंड 31 डिग्री। इसने टुनाइट सुना ही नहीं। हे सीरी, व्हाट्स द वेदर टुनाइट? अब इसने शुड बी सनी टुडे, डे टाइम टेंपरेचर्स विल हवर। अबे टुडे नहीं, टुनाइट। हे सीरी, व्हाट्स द वेदर टुनाइट? द फोरकास्ट इज कॉलिंग फॉर क्लियर स्काइज and partly cloudy skies tonight. Temperatures will be fairly consistent, averaging about 27 degrees. सही है, थोड़ा सा जो है ना क्या हो गया, जुमला इसका चेंज हो गया। अब इसने फोरकास्ट बताया आज के नाइट के लिए ना, फोरकास्ट बताया कि भाई स्काईज जो है इस तरह का रहेगा और टेम्परेचर जो फेयरली कंसिस्टेंट रहेगा। फेयरली कंसिस्टेंट का मतलब है कि जितना अभी है ना ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा रात को भी। हैं, नहीं नहीं जब उसको बोलो ना हे सीरी, हे सीरी, ये हाँ हाँ, ये इन्होंने अभी रिसेंटली ऐड किया, ये पहले नहीं था, ये इन्होंने रिसेंटली ऐड किया कि जब मैं हे सीरी बोलूँ ना तो वो सामने से, पहले तो ये बोलता था हाँ थोड़ा सा, क्योंकि अगर तो मैं देख रहा हूँ ना असिस्टेंट में भी बत्ती जलती है असिस्टेंट में, लेकिन अगर मैं देख नहीं रहा तो मुझे पता नहीं लगता कि वो जाग गया कि नहीं जाग गया। और हाँ, रियल बंदे में भी इसी तरह होता है कि अगर यार दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। सीरी का सबसे बड़ा कॉन ये है, सबसे बड़ा डाउन साइड ये है कि सीरी ने अभी तक एक्सटेंशन अलाउ नहीं किए। अच्छा, ऑन अदर एंड गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा जो है उन्होंने एक्सटेंशन अलाउ किए हुए हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि उसमें हे गूगल बोलना पड़ता है। ये अगर एक्सटेंशन अलाउ कर देते हैं और इसको फिर भी हे सीरी बोलना पड़े तो फिर तो बेकार है। अब जितने क्लाइंट आज तक मेरे पास आए हैं ना, सब ने किसी पॉइंट पे ये बात की है कि यार मुझे ना हे गूगल नहीं चाहिए, हे गूगल को समहाउ रिप्लेस करो, समहाउ उसको बाईपास करो, ये नहीं चाहिए। नहीं हो सकता ना, गूगल असिस्टेंट की स्टैंडर्ड डिवाइस में नहीं हो सकता। फिर आपको कुछ अपना मंजन करना पड़ेगा IoT पे लेके, या उस पर AVS लगाना पड़ेगा। AVS में ये काम हो जाता है, लेकिन उसमें भी एक सर्टेन लेवल तक होता है कि कोई इंग्लिश का वर्ड ही उसमें आप लगा सकते हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप सुरैया कर दिया आपने। मैंने रात को भाई दफ़े इसको सुरैया करने की कोशिश की, हुआ नहीं है। मैंने बोला यार हे सीरी पर ट्रेनिंग लेता है ना वो, तो ट्रेनिंग पे मैंने बोला यार मैं इसको सुरैया बोल के ट्राई करता हूँ, भाई नहीं पकड़ा इसने। इसने बोला भाई सीरी बोलना पड़ेगा। तो देखो मज़ा आ जाता है ना, बोलता मैं हे सुरैया, व्हाट्स द वेदर, सुरैया सामने से बताती। तो ये भाई दोनों के ना अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, और यही वजह है कि गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा को मैंने बाहर कर दिया है, क्योंकि लोग यार ऐसी बात कर देते हैं कि जो हो नहीं सकता, और इतनी ज़्यादा लिमिटेशंस कर दी है ना इन्होंने वक्त के साथ साथ। गूगल असिस्टेंट के ऊपर पहले इतनी ज़्यादा लिमिटेशंस नहीं थी, अब इन्होंने बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस कर दी हैं। तो वो इतनी लिमिट के साथ जब कोई चीज़ बनती है ना, तो उसका बनना नहीं बनना एक बराबर होता है। फिर दूसरा ये कि वो चलेगा गूगल असिस्टेंट के ऊपर ही। अब वो गूगल असिस्टेंट वैसे कहने को तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है, कहने को तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है कि जी हर मोबाइल डिवाइस के अंदर वो मौजूद है,
लेकिन मसला ये है कि वो हर मोबाइल डिवाइस के अंदर मौजूद तो है, लेकिन उसको जब एक्सेस करने जाओ ना, जब जब उससे जैसे इस तरह वेदर वेदर पूछो, तो तब तो फिर भी वो ठीक है गुड इनफ है, लेकिन जब उससे एक्सेस करने जाओ कोई ऐप जो उसके अंदर पब्लिश है, तो वो यार बड़ा मसला करती है, आसान नहीं है वो, मुश्किल हो जाता है एक एंड यूज़र के लिए ना, एक नॉन टेक्निकल बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है कि उसको एक्सेस कर सके। अच्छा, अब आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबके फ़ोन में पिछले 5-6 सालों से जो है वो गूगल असिस्टेंट मौजूद है, तो कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपने गूगल असिस्टेंट की कोई ऐप इस्तेमाल की हो? नहीं हुआ ना आज तक किसी में, मार्केटिंग कंपेन में मैंने देखा आज तक, हालांकि मैंने मार्केटिंग कंपेन में लोगों को बना के दिया है, मैंने कहा यार ये QR कोड स्कैन करवाओ, वो डायरेक्ट स्टोर पे ले जाएगा, क्लिक करोगे गूगल असिस्टेंट पे ऐड हो जाएगा वो, और आप बोलो कि यार नीचे लिख दो बड़ा सा, लेकिन उस पर भी ट्रैफिक नहीं आया, ट्रैफिक नहीं आया उसके ऊपर, तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है इस वक्त उसको, जो पहले है गूगल, फिर टॉक टू बिलाल, एक मैंने ऐप बनाई थी बिलाल करके, तो उसमें ये होता था कि पहले है गूगल बोलते थे कि टॉक टू बिलाल, उसने बोला यार या तो बिलाल हो या तो गूगल हो, ये दोनों क्यों हैं, उसने बोला हे बिलाल करके बात हो, ऐसे हो, अब वो नहीं हो सकता उसके अंदर। अच्छा, दूसरा ये कि वो बिलाल उसको समझना है, बिलाल के नाम से वो नेम अलाउ नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं सिंगल वर्ड का हमने पता नहीं एंटरप्राइज़ के लिए रिजर्व किया हुआ है, फिर उसको डोमेन भेजा उसके पास, वो सब भेजा पता नहीं है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो फिर हमने उसका 2 वर्ड नेम रख दिया था, ठीक है, कि बिलाल ऐप रख दिया था, इस तरह कर दिया था हमने, तो ये सारे बहुत मसले मसाइल हैं, तो इस वजह से गूगल असिस्टेंट। अच्छा, फिर गूगल असिस्टेंट की जो डायलॉग फ्लो के साथ इंटीग्रेशन भी ख़त्म हो गई है, डायलॉग फ्लो के साथ अब इंटीग्रेट नहीं होता वो, अब वो कहते हैं अपने वाले पे करो, अब वो अपना वाला जो उसका है वो एक वाहियात चीज़ है, नहीं एक्शन, एक्शन डैशबोर्ड है ना, जो एक्शन जो है वहाँ पे वो जेसन वाला भी है ना, SDK भी है ना अपना उनका, वो वाला है, तो उस SDK को ये ऑप्टिमाइज़ करते जा रहे हैं कॉटलिन वालों के लिए, जो कॉटलिन पे काम करते हैं नेटिव वाले, तो उसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया उन्होंने उनके लिए, तो वो ज़रा इधर से ना वेब की साइड से दूर भाग रहे हैं वो, मतलब असल में एक चीज़ ये है कि इंडस्ट्री में क्लासिफिकेशन हुई भी ना कि अच्छा जी ये वेब डेवलपर है, ये जावास्क्रिप्ट पे काम करता है, ये इस पे करता है, और एक है जी वो एंड्रॉयड का डेवलपर है, ये जी कॉटलिन पे काम करता है और नेटिव पे काम करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चलाता है ये, तो वो उनको उस गूगल असिस्टेंट की ऐप को कहीं ना कहीं फॉल कराना था, तो पहले वो फॉल करवा रहे थे इधर वेब डेवलपर्स को, लेकिन अब उसको फॉल करवा रहे हैं वो उधर। अच्छा, किसका देखा देखी? एप्पल वालों का। अब ये एक अजीब सी बात है, जो एप्पल करता है वो सारे पीछे करते हैं, क्योंकि इन्होंने सीरी में एक एक्सटेंशन दिया हुआ है, छोटा सा एक्सटेंशन ये दिया हुआ है कि जैसे मैं बोलूँगा ना कि हे सीरी साउंड ओपन साउंड क्लाउड या प्ले माई लाइक्ड म्यूजिक ऑन साउंड क्लाउड, तो वो जो इंस्टॉल हुई हुई ऐप है ना उसके अंदर छोटा सा एक्सटेंशन होता है, उसमें एक दो बातें होती हैं फिक्स हैं, लेकिन वो फिक्स इंटेंट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है ना हम जो भी इंटेंट बना लें, तो वो म्यूज़िक की ऐप के उसने इंटेंट सारे बनाए हैं, तो म्यूज़िक की ऐप को मैं बोल सकता हूँ कि यार प्ले म्यूज़िक विथ फला ऐप या प्ले माई फेवरेट म्यूज़िक विथ फला ऐप, तो वो फेवरेट वाले लाइक वाले चला देगा सिर्फ, तो वो फिक्स इंटेंट इन्होंने ना कोई 20-25 के करीब बना के रखे हुए हैं, तो लेकिन वो यूज़ कौन करता है? वो नेटिव जो ऐप बना रहे हैं ना वो डेवलपर उसको इस्तेमाल करता है, तो इन्होंने भाई इसका देखा देखी जो है ना पूरा गूगल एक्शन जो है वो उधर लेके जा रहे हैं। और एक और नई डेवलपमेंट हो चुकी है, काइंड ऑफ होने जा रही है एक्चुअली, लेकिन अभी तक वो प्रोडक्शन में शायद नहीं आई, गूगल असिस्टेंट के अंदर होने जा रही है, कि गूगल असिस्टेंट अब हर ऐप के अंदर अवेलेबल होगा, मिसाल के तौर पे जैसे मैं अभी साउंड क्लाउड खोलता हूँ ना अभी, लेकिन ये हुआ नहीं है, साउंड क्लाउड जब मैं खोलता हूँ तो उसके अंदर तो मैं बटन्स दबाता हूँ ना, अब मैं साउंड क्लाउड खोलूँगा और जैसे ही मैं खोलूँगा ना तो वो पहले से ही लिसनिंग कर रहा होगा, और साउंड क्लाउड खोलते ही मैं उससे बात करूँगा, तो ये काइंड ऑफ एक अच्छी चीज़ होने जा रही है, और साउंड क्लाउड के अंदर एक अपना गूगल असिस्टेंट होगा जिसमें हर तरह की कस्टमाइजेशन मैं कर सकता हूँ, एक अपना गूगल असिस्टेंट होगा साउंड क्लाउड के अंदर, हर ऐप के अंदर होगा मौजूद वो गूगल असिस्टेंट। हाँ, ऐप डेवलपर जो होगा ना नेटिव ऐप डेवलपर, वो सारे इंटेंट्स डिफाइन करेगा और वो एक्शन ऑन गूगल के ऊपर बनेगा बकायदा, वो एक्शन ऑन गूगल को वो उधर लेके जा रहे हैं, इस तरफ से उन्होंने वेब की साइट से बिल्कुल ही हटा दिया उसको। अच्छा, अब एज अ चैट बॉट डिवेलपर, अब मुझे क्या करना चाहिए एज अ चैट बॉट डिवेलपर? क्या मुझे कॉटलिन पे मूव कर जाना चाहिए क्योंकि गूगल असिस्टेंट उधर जा रहा है, या मुझे सीरी क्योंकि एक्सटेंशन देगा ज़ाहिर है स्विफ्ट में देगा वो, तो क्या मुझे स्विफ्ट पे मूव कर जाना चाहिए, या मुझे तीसरा एज अ थर्ड रिजॉर्ट वेब डेवलपमेंट की साइड पे रहना चाहिए जिसके अंदर डायलॉग फ्लो लाया कर रहा है,
डायलो फ्लो जो वेब डेवलपमेंट की साइट पे लाया कर रहा है, ठीक है, उन्होंने क्लियरली हर चीज़ ये कर दी है। अभी जो V3 का जो SDK है वो सारा जावास्क्रिप्ट के अंदर उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, बावजूद इसके कि वो लग सकता है वहाँ पे भी, क्योंकि REST API कहीं से भी कॉल हो जाती है। तो एज अ थर्ड रिजॉर्ट मैंने क्या किया है कि वेब डेवलपमेंट की साइट पे मैं लाए कर रहा हूँ इस वक्त। अच्छा क्यों? उसका रीज़न ये है कि एक तो मेरा बैकग्राउंड वेब डेवलपमेंट का, वेब डेवलपमेंट की नीटी ग्रिटीज जितनी अच्छी जानता हूँ मैं, उतनी अच्छी अगर मैं कॉटलिन की तरफ मूव करूँ तो शायद मुझे टाइम लगेगा, ठीक है। दूसरा ये कि अब ये वेब डेवलपमेंट के साथ क्योंकि एसोसिएट हो गया ना, तो एक्चुअल जो प्रोजेक्ट होगा वो होगा वेब डेवलपमेंट का जो मिलेगा, उसके अंदर क्लाइंट कहेगा कि यार ये चैटबॉट भी लगाना है। और उधर जो गूगल असिस्टेंट का जो प्रोजेक्ट आएगा ना, वो ये नहीं बोलेगा कि यार गूगल असिस्टेंट की ऐप बना दो, वो बोलेगा यार मोबाइल ऐप है एंड्रॉयड की और इसमें आपने ये लगाना है, और उसमें फिर वो बोलेगा कि यार इसमें वो भी फीचर डाल दो बात करने वाला, ठीक है। तो वो अभी तीनों अपने अपनी जगहों पर सेट हो गए। तो हमें कहाँ पर रहना है? हमें डायलॉग फ्लो और ओपन AI पे। यही वजह है कि गूगल असिस्टेंट को मैंने अलग कर दिया और अलेक्सा तो वैसे ही पीछे रह गया, ख़त्म हो गया अलेक्सा तो। अच्छा मगर एक यहाँ पे एक सवाल और है कि क्या गूगल असिस्टेंट का जो इकदाम है ये वाला कि हर ऐप के अंदर अपनी उसके अंदर होगी वो गूगल असिस्टेंट की कैपेबिलिटी, क्या ये मेक सेंस है? मेरे ख्याल में 50% तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी का जो 50% है ना वो इंतहाई नॉनसेंस है। बाकी का जो 50% है वो इंतहाई नॉनसेंस है। मिसाल के तौर पे मैंने ऐप को खोला, कैसे खोला? मैंने क्लिक करके खोला ना स्क्रीन से क्लिक करके जब मैंने खोल लिया तो मैं बटन भी दबा दूंगा उसके अंदर, तो या तो ऐप खुले भी फिर बोल के खुले, जो कि हो जाता है अभी इस वक्त हो जाता है ये काम कि आप गूगल असिस्टेंट से बोलो ना कि यार हे गूगल और फलां चीज़ ओपन कर दो आप, तो वो ओपन कर देता है, लेकिन उसके लिए आपको स्क्रीन को अनलॉक करना पड़ता है, खुद से नहीं करता वो ओपन, स्क्रीन को अनलॉक करने कहता है, इसमें सीरी में भी और उसमें भी। तो अब इसमें वॉइस ऑथेंटिकेशन भी चाहिए कि फिर वॉइस ऑथेंटिकेशन साथ में ऐड करें, जैसे अभी एप्पल ने फेस आईडी लगाई है, सही चलता है, अच्छा चलता है, लेकिन वॉइस ऑथेंटिकेशन इनके पास भी अभी तक नहीं है। तो या तो वॉइस ऑथेंटिकेशन लगे कि बंदा बोले यार हे गूगल ओपन साउंड क्लाउड, तो वो मेरे वॉइस से ही उसको अनलॉक करके और साउंड क्लाउड को खोल दे, और साउंड क्लाउड को खोलने के बाद जैसे ही साउंड क्लाउड खुले, वही तो बात है ना, वॉइस ऑथेंटिकेशन क्या पॉसिबल होगी भी या नहीं होगी? वैसे तो फेस को भी कर लेता है, लेकिन जो इन्होंने टेक्निक लगाई है ना डॉट प्रोजेक्शन वाली, वो नहीं कर सकते आप, डॉट प्रोजेक्टर नहीं लगा सकते आप। वो 27,000 पॉइंट्स लेता है, एक आपके मुंह पे ना डॉट्स मारता है, वो डॉट्स आपके मुंह पे डॉट मारता है, और वो वहाँ पे वो देख रहा होता है कि ये डॉट किधर किधर आ रहा है, और उसको वो वापस लेता है ना जब उस डेटा को, ये जब टकरा के वापस जा रहा होता है डेटा, तो उससे वो पूरे फेस का एक कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं अंदर, और 27,000 पॉइंट्स होते हैं, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईब्रो के पॉइंट हैं, नोज़ के हैं, लिप्स के हैं, मुंह खुला हुआ है बंद है उसको पता लगता है। तो इसमें किसी भी तरीके से आप, यानी एक ह्यूमन ना हो कुछ और हो उस पर आप ये काम नहीं कर सकते। इवन आपने अगर ह्यूमन का मुँह बना लिया ना 3D प्रिंटेड, तो उस पर भी ये काम नहीं करता, ये बंदे के मुँह पर ही काम करेगा, क्योंकि वो बिल्कुल अगर फिक्स है ना यूँ अगर, तो बिल्कुल फिक्स तो नहीं होता ना बंदे का मुंह कभी भी, बंदे का मुंह हल्का फुल्का मूव कर रहा होता है, तो वो उस मूवमेंट को भी शायद देखता है, तो 3D प्रिंटेड पे भी ये काम नहीं करता शायद। लोगों ने YouTube पे बना बना के डाली हुई वीडियोस, वो आप देखेंगे ना तो पता लग जाएगा आपको कि क्या चक्कर है। तो इस तरह से अगर कोई वॉइस ऑथेंटिकेशन जब तक नहीं आएगी ना, जब तक तो ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि मैंने अगर हाथ से फ़ोन को अनलॉक ही करना है और मैंने ऐप को हाथ से ही खोल देना है, फिर तो फिर मैं अंदर बटन भी दबा दूंगा खुद ही, तो फिर ये होगा कि जो है ना, तो आइडियल केस ये होना चाहिए कि मैं बोलूं कि यार हे गूगल ओपन साउंड क्लाउड, और साउंड क्लाउड जैसे ही खुल के वो बोले कि हेलो आई एम साउंड क्लाउड, हाउ कैन आई हेल्प, या शुड आई प्ले योर फेवरेट म्यूज़िक, बंदा बोले यस तो वो प्ले हो जाए। तो इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए जिसकी अभी तक कोई इन्होंने बात नहीं की, इन्होंने बस ये बात की है कि यार ऐप खुलेगी ना तो उसके अंदर गूगल असिस्टेंट होगा, और वहाँ पे जब बात करेंगे, इन्होंने बोला है कि वहाँ पे जब बात करेंगे तो बात उसी तरह करेंगे आप, हे गूगल करके ही बात करेंगे आप, लेकिन जब हे गूगल करके बात करेंगे ना तो अंदर से जो होगा ना साउंड क्लाउड का चैटबॉट बात कर रहा होगा डायरेक्ट, जिसको हम कहते थे ना कि यार टॉक टू फला फला ऐप, तो वो डायरेक्टली वो बात कर रहा होगा जब वहाँ पे साउंड क्लाउड के अंदर जब बोलेंगे। तो इस तरह की इन्होंने कोई बात की है जो मुझे याद पड़ रही है। तो ये जो है ना, ज़रा सा हमें क्या करना पड़ेगा, अभी जैसे हम ये कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन
अच्छा, इन्होंने इतना टाइटली इंटीग्रेट किया हुआ है ना स्विफ्ट को कि वो आप सिर्फ वो नहीं सीख सकते आप। अच्छा शायद शायद अभी ये वक्त बताएगा। देखो मार्केट तो ट्रेंड सेट करती है ना खुद, अपना मार्केट तो अपना ट्रेंड खुद सेट करती है। हो सकता है पूरा चैटबॉट स्विफ्ट पे मूव कर गए, मे बी, क्योंकि वो जो इन्होंने अभी निकाला है ना विजन प्रो, अब विजन प्रो अभी तक आया नहीं है मार्केट में, अभी वो आम पब्लिक के हाथ में जब आएगा ना तो वो कितना कन्वीनियंट है और ये कितना सही है वो उसकी बात है। तो वो तो चैटबॉट के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो बेस्ट है, उसका जो एक्सपीरियंस है ना, जो लोगों ने जो अभी एक्सपीरियंस किया, टेस्टिमोनियल्स जो हैं लोगों की, वो कह रहे हैं कि यार माइंड ब्लोइंग है। लेकिन असल में वो 2 घंटे इन्होंने अलाउ किया था, तो जब पूरा दिन कोई लगाएगा उसको तो फिर पता लगेगा। उन्होंने अच्छा इतना बेहतरीन काम किया कि बैटरी पैक भी अलग से है ना, आप जेब में ये पावर बैंक है ना मेरे पास, वो बम इतना बड़ा, तो वो उतने बड़े बम पे तो पता नहीं 3-4 दिन चलेगा वो। 30,000 mAh का जो पावर बैंक यहाँ पे रखा होता है मैंने कभी कभी, वो बैग में पड़ा है मेरे भी, तो वो अगर मैंने डाल लिया जेब में और उसके साथ मैं लगा के घूम रहा हूँ उसको, तो वो तो पूरा दिन क्या, वो 3-4 दिन चलेगा, तो ये तो बेहतरीन हो जाएगा। और उसके अंदर वो पता नहीं हैंड को भी, जेस्चर को भी देख रहा होता है, और जैसे किसी टेक्स्ट बॉक्स की तरफ आप देखते हो ना और बोलते हो आप, तो वहीं लिख देता है उसको वो। और वो सीरी वीरी वाली सारी कैपेबिलिटीज़ उसके अंदर है पहले से, सीरी भी उसके अंदर मौजूद है, आप सीरी से बात करो बात करती है वो सीरी। और साथ में एयरपॉड लगते हैं उसके, एयरपॉड साथ में लग जाते हैं, एयरपॉड लग गया तो बस सही हो गया। एयरपॉड में भी अभी उन्होंने नया वाला ये निकाला है, पहले तो ये होता था ना हेडफोन आप लगा के जा रहे होते थे तो भाई किसी की बात सुनते थे आप तो आपको हेडफोन निकालना पड़ता था, अब उन्होंने डायनेमिक कर दिया है। डायनेमिक ये कर दिया है एयरपॉड्स में कि जब आप जा रहे होते हो ना एयरपॉड लगा के, तो उसमें एक है नॉइस कैंसिलेशन और एक है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी ये होता था कि आपको इर्द गिर्द की सारी आवाज़ें आएंगी, बाकायदा वो माइक से लेके और अंदर स्पीकर में उसको चला रहा होता था गाने के साथ साथ, तो ट्रांसपेरेंसी मोड था, एक नॉइस कैंसिलेशन था। नॉइस कैंसिलेशन में क्या करता है, वो बिल्कुल हुप कर देता है। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जो होता है ना, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन में ये होता है कि वो माइक से बाहर की आवाज़ पकड़ता है और उसको माइनस करके फिर आपको अंदर चला रहा होता है वो, तो क्या होता है एकदम हुप हो जाता है, तो मतलब आपको लगता है कि कोई है ही नहीं दुनिया में, सिर्फ मैं ही हूँ अकेला, सही, ऐसी खामोशी कर देता है। उन्होंने अब निकाल दिया हाइब्रिड इसका, जिसको वो कह रहे हैं डायनेमिक ट्रांसपेरेंसी। अब वो डायनेमिक ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है कि वैसे आपको सारी आवाज़ें आ रही होती हैं, लेकिन जब कोई बंदा बात करता है ना तो उसकी आवाज़ ज़्यादा तेज़ आती है। जब कोई बंदा आपसे बात करता है ना उसकी आवाज़ ज़्यादा तेज़ आती है, और अगर कोई ड्रिल मशीन चलती है तो उसको आवाज़ वो ऑटोमेटिकली दबा देता है उसको, तो ये डायनेमिक कर दिया इन्होंने एयरपॉड्स में। तो अब ये वाला एयरपॉड अगर आप लगा के जा रहे हैं ना, तो किसी भी सिचुएशन में आपको उसको बाहर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ये लगा हुआ होगा और आपके ये इधर विजन प्रो लगा हुआ होगा, है ना, रोबोट की तरह यूं यूं घूम रहे होंगे ऐसे ज़ॉम्बी बने होंगे। तो अगर ये वाला काम हो गया ना, अगर और इस पर अगर ये चैटबॉट के एक्सटेंशंस आ गए, सीरी पे एक्सटेंशंस अलाउ कर दिया इन्होंने विजन प्रो पे, तो ये पूरा चैटबॉट की मार्केट शिफ्ट हो जाएगी शायद, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी उसके अंदर अच्छी है ना। एक्सेसिबिलिटी अभी किसी में भी अच्छी नहीं है, वेब में भी इवन आप जाते हो तो साइड में चैट करना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पर मैंने चैटबॉट से चैट करना है मैकडोनल्ड के, तो मुझे मैकडोनल्ड की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा पहले, उसके बगैर तो होगा ही नहीं वो। तो आइडियल तो केस ये हो ना कि कुन फाया कुन हो, इंसान हमेशा से जो चाहता है ना वो कुन फाया कुन चाहता है इंसान। इंसान बोलता है बस मैं यूं करूं और हो जाए, है ना, ये अल्लाह ताला की क्वालिटी है। तो मतलब कहीं ना कहीं इंसान के दिल में वही ख्वाहिश होती है कि भाई वो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अपने हाथ से बनाया है, तो कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं इंसान के अंदर जो अल्लाह ताला का जो चाहता है ना दिल, तो वही इंसान का भी चाहता है। तो ये वन ऑफ दोज क्वालिटीज़ हैं कि इंसान का भी दिल चाहता है कि यार वही हो, कुन फाया कुन हो मेरे पास, ठीक है। तो लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है और मुझे लग रहा भी नहीं है कि ये हो पाएगा। तो ये विजन प्रो जब आवाम के हाथ में आएगा ना जब, तो फिर पता लगेगा कि इसकी एक्सेसिबिलिटी जिस तरह वो बता रहे हैं क्या वाकई उतनी है। ये कह रहे हैं कि यार 8 घंटे लगाने के लिए हमने उसको डिज़ाइन किया है, वरना ये जो ऑक्यूलस वगैरह थे ना पहले, और ये जो मेटा ने अभी जो निकाला है प्रो 2 पता नहीं क्या उन्होंने भी निकाला है, तो वो तो 2 घंटे की गेम है। 2 घंटे में वो ऐसा कर देते हैं ना आपको कि आप ना खाने के रहते हो ना पीने के रहते हो, आप सीधा बिस्तर पे गिरते हो, ठीक है। तो 2 घंटे की गेम होती है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं यार 8 घंटे चलेगा, तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो हो सकता है पूरी इंडस्ट्री उधर शिफ्ट हो जाए चैटबॉट की, ये डायलॉग फ्लो वगैरह सबको साइड पर कर दे वो। कौन सी कंपनी है? अच्छा उन्होंने
प्रोजेक्शन आती है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है असल में बैज में। चलो वो तो गोप्रो ने किया हुआ है पहले ही, ये वाला काम तो चलो गोप्रो ने किसी हद तक किया हुआ है। हाँ लेकिन गोप्रो को बैज की तरह नहीं लगा सकते, ज़रा भारी होता है वो। तो सर इंस्टा 360 आया था ना, वो बैज की तरह, वो भी उसको भी बैज की तरह नहीं, हाँ उसको गले में लॉकेट की तरह डाल सकते हैं, लॉकेट की तरह डाल सकते हैं। अच्छा सही है यार ज़बरदस्त कर दिया इन्होंने ये तो। वेल अच्छा नहीं तो ये यार ऑर्डर करते हैं ना ये वाला, ये कहाँ से हो रहा है ऑर्डर हो रहा है ये अभी? अच्छा निकालो ना यार ये ऑर्डर करते हैं, चेक करते हैं क्या चीज़ है ये। तो हाँ नहीं अगर वो ऑडियो रिकॉर्डर भी है ना, क्योंकि मैं भी सम टाइम ये होता है कि कुछ बात बात कर रहा हूँ ना या कुछ सम टाइम किसी जगह पे, तो अब मैं बोलता हूँ यार कि इसको रिकॉर्ड कर ले। जैसे वो सेमिनार में अक्सर होता है ना कि वो कैमरा दूर पड़ा होता है, अब वो रिकॉर्डिंग उधर आवाज़ ही नहीं पहुँचती, पता नहीं फ़ैन वैन की आवाज़ आ जाती है उस पर, तो एटलीस्ट ये वाला काम तो उससे हल हो जाएगा। $60 सही है, रीज़नेबल है, क्योंकि ये सारे जो जूम के जो माइक है ना, मैंने एक दफ़ा देखा यार जूम का माइक सबसे अच्छा है, तो वो भी पाकिस्तानी पता नहीं 40,000 का माइक है वो। ये रोड वाला जो माइक है ये भी इसी तरह है, 30-35,000 का है, तो सही है अगर वो $60 में दे रहा है तो अच्छा यार। तो वेल अभी जो हमारी चैटबॉट की मार्केट लाया कर रही है ना, वो सारी वेब डेवलपमेंट के साइड पे लाया कर रही है, ख़ासतौर पे डायलॉग फ्लो और ओपन एआई, ये जो दो फ्रेमवर्क्स हैं जो सबसे बड़े फ्रेमवर्क्स हैं ये दोनों। अच्छा भाई अच्छा क्वालिटी का जो मैक्सिम है यार वो क्या कह रहा है, क्वालिटी का जो मैक्सिम है वो कह रहा है कि द मैक्सिम क्वालिटी सेज दैट स्पीकर शुड अवॉइड सेइंग एनीथिंग दैट दे नो टू बी फॉल्स। कोई ऐसी चीज़ हो ना जो फॉल्स हो। यार ये कैसे चली गई, अच्छा कोई चीज़ अगर आपको पता हो ना ये फॉल्स है तो वो नहीं आपने बोलनी। अच्छा चैटबॉट के कॉन्टेक्स्ट में ये जो बात हो रही है असल में ये हो रही है कि अगर वेदर आपसे पूछा है बंदे ने तो वेदर सही सही बताना है आपने, या बंदे ने ऑर्डर का स्टेटस पूछा है तो ऐसा ना हो कि गलती से आपने ऑर्डर का स्टेटस ही गलत बता दिया, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है तो ये दूसरी मैक्सिम हो गया, यानी हाँ हलूसिनेशन वो ये क्वालिटी को वॉयलेट कर रहा होता है, लेकिन हाँ उसको हमने पकड़ना है, उसको हम पकड़ना होता है हमने उसको, हम जब बनाएंगे ना जब जनरेटर बेस्ड रिस्पॉन्सेज जो है उसके अंदर हम इस चीज़ को देख रहे होंगे कि हलूसिनेशन को कैसे अवॉइड करना है। ठीक है असल में हम उसको सारा डेटा कॉन्टेक्स्ट में देते हैं। देखो चैट जीपीटी को चलाने का या ओपन एआई को चलाने का जो बेस्ट तरीका है ना वो ये है कि जो भी उससे आप बात कर रहे हो ना वो सारा डेटा कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो, कॉन्टेक्स्ट के अलावा बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हलूसिनेट करेगा ही करेगा। सही है तो ये कह रहे हैं कि यार दो बंदे बात करते हैं ना तो एक बंदे के बारे में अगर मशहूर हो ना लंबी लंबी छोड़ता है ये तो फिर मज़ा नहीं आता। तो ये क्वालिटी मैक्सिम हो गया, तो हमने क्या करना है जो डेटा हो ना वो एक्यूरेट डेटा होना चाहिए, एक्यूरेट डेटा हो जब ही हम सही लगेगा हमारा हिसाब किताब। अच्छा जी रिलेशन बात ये है कि जी कोई रेलेवेंट बात हो कोई इररेलेवेंट बात ना हो। मिसाल के तौर पे मैंने व्हाट्स द वेदर पूछा ना उससे, तो वेदर से रिलेटेड जो मोस्ट रिलेटेड तीन चार बातें थी वो एक्स्ट्रा उसने की हैं, कोई और तीसरी बात नहीं की उसमें। तो ये रिलेटेड बात होनी चाहिए, अगर आपसे कोई बात पूछ रहा है कि भाई मिसाल के तौर पे जैसे वही अगेन कि प्रेजेंटेशन आपकी कैसी रही, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर जो है ना कोई आपने ऐसी इररेलेवेंट बात कर दी तो वो भी मज़ा ख़त्म हो जाता है बात का फिर। ठीक है अच्छा ये लंबे लंबे पैराग्राफ्स हैं इसको भाई पढ़ लेना, इसके अंदर इन्होंने कोई इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इतनी बड़ी बुक है इसमें से एक ही चैप्टर मैंने आपसे कहा है पढ़ने, चैप्टर नंबर 1 और ये जो 4 मैक्सिम्स हैं ये वाली, ये दो चीज़ें आप पढ़ लोगे इसमें से तो आपको अच्छा खासा जो है ना डेटा मिल जाएगा। अच्छा मैनर सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि द मैक्सिम ऑफ मैनर डायरेक्टली डायरेक्ट्स कन्वर्सेशनलिस्ट टू बी क्लियर स्पेसिफिक एंड ऑर्डरली। मैनर के अंदर ना ये तीन चीज़ें हैं कि भाई क्लियर बात करें, ऑर्डरली बात करें,
जो बात पहले की गई है वो पहले करें, जो बाद में की गई वो बाद में करें, ठीक है। लेकिन मैनर जो सबसे है ना, जो इसने जो एम्फेसाइज किया है, इस पैराग्राफ को स्टिल आपने पूरा रीड करना है कि यहाँ पे क्या बात हुई है। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास जो चैट बॉट है ना, उसके अंदर हमेशा वो लाउडली और क्लियरली उस बात को कहे, सही है। ऐसा ना हो कि वो इस तरह से कहे कि उसको खुद ही समझ नहीं आए, बंदे को जो सामने बैठा उसको सुनाई ना दे, वो इस तरह का सीन नहीं होना चाहिए। चैट बॉट हमेशा क्लियर होना चाहिए, कोई ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल ना करे जो ज़रा वर्ड आपस में मिक्स हो जाए। जो क्लियर वर्ड्स हैं, आसान वर्ड्स हैं, उसके अंदर वो जवाब देगा, ठीक है। अच्छा, ये मैनर जो है ना, इस मैनर के एक मैक्सिम के अंदर जो पूरी मास कम्युनिकेशन इसके अंदर इन्वॉल्व हुई है, क्योंकि चैट बॉट से जब आप कोई बात बुलवाते हैं तो वो बात असल में मासेस से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं आप, राइट। जो मास कम्युनिकेशन पता है ना सब लोगों को, यहाँ बैठे हैं नहीं पता मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन ये होता है कि जैसे रेडियो पे कोई बंदा बात कर रहा है, रेडियो पे कोई प्रोग्राम कर रहा है बंदा, तो वो उसको कितने लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हो सकते हैं या करोड़ों सुन सकते हैं उसको, ठीक है। अगर कोई टीवी के ऊपर कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई कोई ड्रामा शूट हो रहा है, तो उस ड्रामे को देखने वाले लोगों की तादाद लाखों करोड़ों में हो सकती है। या इसी तरह न्यूज़ चैनल जो है, न्यूज़ चैनल पे जो बंदा बैठ के न्यूज़ पढ़ रहा है, उसको जो उस बात को सुनने वाले लोग हैं वो लाखों की तादाद में। तो जब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती है ना कि बंदा एक बोल रहा होता है और लाखों लोग उसको सुन रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन टू मासेस, है ना। और हेयर कम्स मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट भी एक पूरा का पूरा। तो ये जितने रेडियो टीवी के एंकर्स होते हैं, जितने ये न्यूज़पेपर के में जर्नलिस्ट वगैरह ये सारे होते हैं, ठीक है, इसी तरह ड्रामा एक्टर, टीवी एक्टर, ये जितने भी होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, असल में ये मास कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट के बंदे होते हैं, ठीक है। मास कम्युनिकेशन में आपको बोलते हुए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि जी कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो किसी एक ख़ास रेस को ये बात बुरी लग जाए, किसी ख़ास स्किन कलर को ये बात बुरी लग जाए, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, किसी ख़ास रिलीजन को हर्ट ना कर जाए कोई ऐसी बात, ठीक है। तो ये सारी जो है ना, ये मास कम्युनिकेशन के रूल्स हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। आप जब आप नोट करेंगे कि एक आम बंदा जब बात कर रहा होता है ना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्यारे दोस्तों थोड़ी सी खामोशी कर लें, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो एक न्यूज़ एंकर जब बात कर रहा होता है तो उसके कुछ अल्फाज अलग होते हैं, आप नोट करेंगे उसके अल्फाज कुछ मुख्तलिफ होते हैं। बहुत सारी मूवीज़ पे इसकी वजह से बैन भी लग जाता है, किसी ख़ास रिलीजन को, किसी ख़ास स्किन कलर को वो हर्ट कर रहे होते हैं अगर, तो उस पर बैन वगैरह भी लग जाता है। तो ये जो मैक्सिम है ना, जो मैनर का जो मैक्सिम है, एक तो ये है कि जी बात क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, ऑर्डरली होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ से जो बात निकलेगी ना आपके चैट बॉट से, वो असल में लाखों लोगों तक पहुँचेगी। तो जुमले का इंतखाब आपने ऐसा करना है जो अच्छा इंतखाब हो, ठीक है। अच्छा, अब ये पूरा मास कम्युनिकेशन तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा नहीं सकता, तो वो आपने ख़ुद से ज़रा उसको जो है ना अब आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करना शुरू करना है कि कोई ऐसी बात ना हो जो किसी को बुरी ना लग जाए। मिसाल के तौर पे अब कोई अगर ऐसी मीम है जिसमें सिंधियों का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो अब जाहिर है वो कोई सिंधी देखेगा तो उसको तो बुरा लगेगा। तो उस तरह की मीम कभी भी नेशनल टेलीविज़न पर अलाउ नहीं करती है। वो सोशल मीडिया पर तो खैर कंट्रोल नहीं है किसी का भी इतना ज़्यादा, लेकिन उस तरह की चीज़ को कभी नेशनल टीवी पर अलाउ नहीं करती है। तो जो मिसाल के तौर पर किसी को ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है अगर, तो जाहिर है उस बंदे की, देखो मास कम्युनिकेशन जब मासेस से कम्युनिकेट होता है ना, तो किसी भी बंदे को हीरो बनाना या किसी भी बंदे को ज़ीरो बनाना बड़ा आसान होता है। मिसाल के तौर पे नेशनल टेलीविज़न में जिसको 20 करोड़ आवाम देख रही है, उसके ऊपर आके आपने किसी बंदे की तारीफ़ कर दी, उस बंदे की रोज़ तारीफ़ें हो रही हैं वहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए ना लोगों के दिल में जगह बन जाती है और वो एकदम हीरो बन जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से नेशनल टेलीविज़न में किसी बंदे की बुराई हो रही है, रोज़ हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वो बंदा ज़ीरो हो जाता है, चाहे वो जितना भी बड़ा लीडर हो। उसकी जो कुछ गिनी चुनी वो रिसर्च करके ना वो निकाल के, आपने देखा होगा लोगों के साथ किया जाता है, ये लोगों के साथ किया जाता है बकायदा, कि जी वो गिन चुन के निकाल के दो चार बातें जो उसकी डाउन साइड्स हैं और वो सही भी होती हैं, करेक्ट, जो ये वो बात है ना कि ट्रू होना चाहिए, डेटा ट्रू होना चाहिए, वो ट्रू डेटा निकाल के ना उसको घुमाते हैं। तो अभी आप देखें, वो अब मैं कोई नाम नहीं लूँगा वरना वो बायस हो जाएगा, पॉलिटिकल बायस हो जाएगा वरना गुफ्तगू मेरी, तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये आप सब लोगों को पता है कि आप जब टेलीविज़न पे देखते हैं ना, तो कुछ खास पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं, वो एक चैनल क्या करता है कि एक की वो निकाल के डाउन साइड चला रहा होता है और दूसरा वो दूसरे की चला रहा होता है, ठीक है। तो ये मास कम्युनिकेशन की एक क्लासिक अप्रोच है, ये जो करते ही यही है, ये सारा काम यही है इनका सारा ना, कि किसी बंदे को हीरो बनाना है, ज़ीरो बनाना है, ठीक है। बहुत सारे हमारे नेशनल लीडर्स होते हैं जो हमारे, जैसे मिसाल के तौर पर कुछ अल्लामा इकबाल है जैसे, तो अल्लामा इकबाल का एक दिन मनाया जाता है, तो उस दिन में जो है वो
सोशल मीडिया के ऊपर सारा वो चल रहा होता है अल्लामा इकबाल का, तो वो उनकी पर्सनैलिटी को अप रखना है समहाउ, तो इस वजह से वो चलाया जा रहा होता है। तो कुछ सर्टन पर्सनैलिटी आप देखेंगे जब उनका दिन होता है तो उनकी बहुत ज़्यादा बात होती है नेशनल टीवी पे, कुछ लोगों की जब दिन होता है तो उनकी बात ही नहीं करते, जिनसे बुग्ज होता है समटाइम कोई ऐसी रिलीजियस पर्सनैलिटी का दिन होता है, जैसे अल्लामा इकबाल को भी लेके ना बहुत सारे अब टीवी चैनल ज़रा वो हो गए, ठीक है, अभी कोर्स पे निकालने की बात हो रही थी। तो वेल, तो ये क्या होता है मास कम्युनिकेशन में किसी भी चीज़ को डाउन करना अप करना बड़ा आसान होता है, सही है। तो ये हमने मैनर की बात कर ली, ये वाला पैराग्राफ आप खुद से पढ़ लीजिएगा इंशाल्लाह, उसके बाद हम क्या करेंगे वापस हम प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारी थ्योरी जो थी चैटबॉट की ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो हेलो वर्ल्ड हमने बनाया था वहीं से हम दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे होटल बुकिंग चैटबॉट को, ठीक है जी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज़।